बाबा हो हर साथ चले मेरा, तेरी कृपा दे नाल बाबा, तेरी कृपा दे नाल बाबा हर काम चले मेरा। सुबह शाम तेरा नाम, जिंदगी चले तेरा, साईं जी जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, साईं जी जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू सिखाई आपने, गुफ्तगू सिखाई आपने, मैं तो गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना। आ देखो नन्ना मुन्ना बच्चा बाबा जी दे दरबार च घूम रहा। देखो मैं रात ही 3:30 बजे पहुंचे शिरडी तो, और इन्नी धुंद इन्नी भीड़ बाबा जी के दरबार च, हर बंदा शुक्र अदा करना आया उते, कोई गुटके चढ़ा रहा है बाबा जी की धूनी वास्ते, कोई बाबा जी वास्ते बड़े सोने सोने इन्ने सोने सोने उन्होंने चोले बना के लैके आ रहा है, कोई बाबा जी नू लड्डूआं दा प्रसाद चढ़ा रहा है। तुहानू पता है शिरडी दे विच सब कुछ चढ़ता है, कई कहिंदे ने कि हनुमान जी नू लड्डू चढ़ते हैं, बाबा जी नू हर तरह का फल, हर तरह का भोजन, खिचड़ी प्रसाद, तुसी कुछ भी शिद्दत नाल बना के लेके जाओ, बाबा जी नू सारा स्वीकार है। बाबा जी ने यही कहा कि सबका मालिक एक है अगर इरादा नेक है, और नेक इरादे वालों को ही मंजिल मिलती है, वही शिरडी जाते हैं। लोग कहते हैं हमें बुलावा नहीं आया, अरे आप एक बार तो बोलो कि बाबा मुझे बुलाओ, बाबा अपने आप बुलाएंगे आपको। मेरे बाबा बहुत निराले हैं, वो सबकी सुनने वाले हैं, सबकी दिल की जानने वाले हैं। इस साढ़े सारे की जिंदगी दे उत्ते आधारित भजन है कि तेरा शुक्र करा वे साईया, तेरा शुक्र करा। दिन होवे रात होवे तेरा जिक्र करा मैं, तेरे हुंदिया मेरे मौला क्यों फिक्र करा मैं, बिन मंगया दिता सानू हद तो भी ज्यादा, ग्यारह वचना दा बाबा तू निभाया हर वादा। बाबा जी ने 11 वचना से क्या कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साई मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा। बाबा ने स्वयं कहा है 11 वचनों में अपने कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, सदा हम बाबा के चरणों में बैठकर यही मांगते कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारी नौकरी लगी रहे, हमारा खर्चा चलता रहे। और आज यही दिन है कि हमें शुक्र करना है उस परमात्मा का कि ये वक्त हमें मिला है, नहीं तो कई लोग सो रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, कई लोग सफर में हैं, और कई लोगों के पास टाइम नहीं है, और कई लोग फोनों पे बिजी हैं। के दुनिया वाले सेल्फी लेंदे
अपने प्यारियां मेरे साईं बाबा तू ही तू मैं सेल्फी लेनी तेरे ना अज सेल्फी कट लेनी है उदा शुक्र ज्यादा करना है तेरी रजा विच राजी हर वेले हुण रहना सुख होवे दुख होवे मुहो कुछ भी नहीं कहना सुख होवे दुख होवे मुहो कुछ नहीं ओ कहना सुख विच शुकराना सुख विच शुकराना ते दुख विच अरदासा हर वेले हर कड़ी साईं तेरियां ही आसा तेरी रजा नाल बाबा हर वेले राजी रहना हर वेले हर कड़ी मैं साईं साईं कहना हर वेले हर कड़ी मैं साईं साईं कहना क्या मिलके सारे ने कहना की तेरा शुक्र करां वे साईया मैं तेरा शुक्र करां तेरा शुक्र करां वे साईया मैं तेरा शुक्र करां तेरा शुक्र करां वे साईया तेरा शुक्र करां तेरा शुक्र करां वे साईया तेरा शुक्र करां वो तुसा लगियां तोड़ निभाइया मैं तेरा शुक्र करां वो तुसा लगियां तोड़ निभाइया तेरा शुक्र करां सानी रे करनी धनी रे सा तुसी लगिया तोड़ निभाइया तेरा शुक्र करा निरे गारे निदा निरे गारे सा तेरा शुक्र करा और मिलके जो जो शुक्र अदा करना है ने इधर उधर दिया गल्ला छाड़ के सिर्फ बाबा जी नाल जुड़ो अपनी तार जोड़ के देखो फिर देखियो नजारा की हुंदा जिंदगी दा ये सारी जिंदगी इन्हां दे नाम समर्पित कर दो क्योंकि सारा साल उन्हां दे नाम तो चलदा है अज आखिरी दिन भी उन्हां दे नाम तो चलेगा मिलके मेरे नाल सारे ने कहना है तेरा शुक्र करां वे साईया तेरा शुक्र करां तेरा शुक्र करां वे साईया तेरा शुक्र करां तेरा शुक्र करां वे साईया तेरा शुक्र करां शुक्र करा मेरे साईया तेरा शुक्र करा तुसा लगियां तोड़ निभाइया तेरा शुक्र करा तुसा लगियां तोड़ निभाइया तेरा शुक्र करा तुसा लगियां तोड़ निभाइया तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा वे साईया तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा दरबार
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੇਰਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਵੇ ਸਾਈਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸਵਾਲੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਆਲੀ ਵੰਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੋੜੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਲਜਪਾਲੀ ਕਰਦਾ ਲਜਪਾਲੀ ਵੰਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਆਲੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਜਦ ਜਦ ਦਿਲ ਹਾਰਾ ਜਦ ਜਦ ਦਿਲ ਹਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ਿਰੜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ਿਰੜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ
कोई भगत ऐसा ना होवे जेड़ा बाबा जी का नाम ना उचारे। सारे बोलो, देखो बाबा जी साक्षात तुहानू इस नवे साल च गिफ्ट देंगे, मेरा दावा है तुहाडे नाल। दुखियां दा सहारा शुक्र करा, दुखियां दा सहारा शुक्र करा, सुखियां नू भी प्यारा शुक्र करा, सुखियां नू भी प्यारा शुक्र करा, जद जद दिल हारा तैनू ही पुकारा शुक्र करा, जद जद दिल हारा शुक्र करा, तैनू ही पुकारा शुक्र करा, शिरडी दा नजारा शुक्र करा, स्वर्गां तो भी न्यारा शुक्र करा, शिरडी दा नजारा शुक्र करा, स्वर्गां तो भी न्यारा शुक्र करा, जद जद दिल वारा शुक्र करा, तैनू ही पुकारा शुक्र करा, जद जद दिल हारा शुक्र करा, तैनू ही पुकारा शुक्र करा वे साईया तेरा शुक्र करा, साथ अनुज जी दिल खोल लो दोस्तों यारों के साथ, नहीं तो डॉक्टर खोलेगा औजारों के साथ। दिल खोल लो दोस्तों यारों के साथ, नहीं तो डॉक्टर खोलेगा औजारों के साथ, ये सच बात है। सभी गाइए, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। बाबा का नाम साईं कैसे पड़ा आप सबको पता होगा, जो बाबा के साथ जुड़े हैं, जो शिरडी गए हैं, जो बाबा का उच्चारण करते हैं, जिनके घर में बाबा की जोत जलती है।
सबसे पहले बाबा खंडोवा मंदिर में आए, वहां मालसापति ने उनको बोला आओ साई। तब बाबा को पता लगा कि मेरा नाम साई है, नहीं तो बाबा ने अपना नाम भी नहीं बोला कि मेरा नाम साई है। जोरदार ताली हो जाए एक बार बाबा के नाम की। सभी मिलकर कहेंगे मेरे साथ, ये साज नहीं बजेंगे, ये आवाज नहीं होगी, आप सबकी हाजिरी होगी। कौन कहता है साई बाबा आते नहीं, कौन तुम आओ साई बुला, तुम आओ साई आ जाओ साई। कौन कहता है शिरडी वाला सुनता नहीं, उनके नाम वाली तस्वीर कोई बुनता नहीं, उनके नाम एवरीबॉडी लव्स साई, साई लव्स एवरीबॉडी। Everybody loves Sai, Sai loves everybody. सभी कहिए मेरे साथ, Everybody loves Sai, Sai loves everybody. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Shirdi wale Sai. Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram, Shirdi wale Sai. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Shirdi wale Sai. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Shirdi wale Sai. प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। कौन कौन बाबा से प्यार करता है? कई लोग भगवान के नाम से डरते हैं, और मैं कहता हूं कि बाबा मेरा यार है, बाबा से मुझे प्यार है। अरे उनसे प्यार करो, उनसे डरो नहीं, उनको अपना हाल बताओ, अपना दुख बताओ, और फिर देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। बाबा को लो इन्ने इन्ने चमत्कार, बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, और आज हर एक दुकान पर, हर एक कोने पर बाबा का नाम गूंजता है, साई साई साई, सबनी थाई एक कोई साई। मेरे घर में आ जाओ मेरे बाबा, तुम बिन मेरा जीवन सुना है, तेरा ही नाम लेकर बाबा मांगने वाले को फकीर मत समझना, हर मांगने वाले को फकीर मत समझना, अगर कुछ हो गया है तो फूटी तकदीर मत समझना, क्योंकि ये साईं के चमत्कार है, यहां जो आता है वो तर जाता है, और यहां से झोलियां अपनी भर जाता है। एक बार दोनों हाथ खड़े कीजिए जिनको दो हाथ सुंदर दिए हैं, ऐसे नहीं करने किसी ने भी। मुझे पता है ठंड बहुत है, मगर जिनका प्रेम सच्चा होता है वही पार जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर और ताली बजाकर मेरे साथ बाबा की मस्ती में झूमना है। साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, शिरडी वाले साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, शिरडी। ताली बजा के आए साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, शिरडी वाले साई, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, शिरडी वाले साई। अरे प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे, प्यार करे सब साई।
श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ठंड बहुत ज्यादा है पर जिन्हों का नेक इरादा है वो सारे मिलके मेरे नाल उच्ची जयकारा लाएंगे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। हाँ ऐसे जयकारा लगाना कि बाबा को शिरडी तक आप सबकी आवाज सुनाई दे। बोल सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की। हाँ ऐसे जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है तेरे दरबार में बिगड़ी हुई हुई। हाँ जी हाँ जी जरूर जरूर। तकदीर बनती है ये कवाली आपको जरूर सुनाऊंगा पर उससे पहले फरमाइश हमारे अनुज लाल शर्मा जी हमारे बड़े भैया की फरमाइश है। तेरी रहमतों का दरिया लो जी दूसरे तो रख लो जी दूसरा माइनर है सोनू जी। और अभी हम कल रात को ही शिरडी से वापस आए हैं और बाबा के दरबार में इतना मेला भरा हुआ है मैं क्या बताऊं आपको। हर इंसान गरीब बाहर मांग रहा है अमीर अंदर मांग रहा है मांग सभी रहे हैं। कोई कोठी मांग रहा है कोई कार मांग रहा है कोई नगद मांग रहा है कोई उधार मांग रहा है मांग सभी रहे हैं। कोई मोदी से मांग रहा है कोई पड़ोसी से मांग रहा है मांग सभी रहे हैं कि होया जे चार दिन सख्त आ गए की होया जे चार दिन सख्त आ गए इत्थे सदा मजबूरियां रहंदियां नहीं जे तेरी हस के भी गल ना बनी ते इत्थे रो के भी पूरियां पैंदियां नहीं। इहदे नाल तो हसना चंगा फिर तू मुझे देता है तो काम मेरा चलता है तेरे नाम से मेरा खानदान पलता है कि जितना दिया मेरे साईं ने मुझको। हाँ जी बच्चों डांस करना है कृपा से सब काम हो रहा है ठीक है। बच्चों की फरमाइश चाहिए कि वो वाला भजन बोल दो मेरी कृपा से सब काम हो रहा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ये उनकी कृपा है भाई। ये नेक्स्ट भजन आपका सुनाऊंगा पहले तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है और बाबा की इतनी रहमतें हैं इतनी कृपा है हम पर कि रोज कहीं ना कहीं बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका मिलता है। और पिछली बार मैं यहां पर शर्मा जी के इनविटेशन पर आया था आप जैसा भगत बन के और बाबा ने मेरी सुनी और आज मैं यहां हूं। एक बार जोरदार ताली हो जाए ये चमत्कार से कम नहीं है। तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है कि जितना दिया मेरे साईं ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं ये तो कर्म है मेरे साईं का मुझ पर वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। इंसान की कोई बात नहीं होती कोई विसात नहीं होती जब उसकी कृपा हो जाती है तो फिर गूंगे भी भंगड़ा पाते ने गूंगे भी गान लग जाते ने। तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है साई तेरी रहमतों का दरिया शरेआम
और जो पीछे खड़े हैं मेरी बेनती है उनसे कि बैठ जाओ। बड़ा अच्छा प्रबंध किया हमारे अनुजलाल शर्मा जी ने। और प्रदीप जी, सियाने ने कहा कि खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखा जा सकता है, बैठ के इबादत होती है। तो जो इबादत करना आए ने तो बाबा जी के चरणों में जुड़ के रहो और एक दूजे नु जोड़ो नाल। तोड़न का काम तो हर कोई कर रहा है, जोड़न का काम अनुजलाल शर्मा जी वर्गे कर रहे ने, प्रदीप भाजी वर्गे कर रहे ने, जिहड़े मंदिर च सेवादार ने। एक बार जोरदार ताड़ी हो जाए। अच्छा एक गल दसो, किना किना ते साईं जी की रहमत हुई है। हाँ देखो, ये फ्रंट सीट ते ताईं बैठे हैं, जिन्हां ते रहमत हो जाती वो अगे आ जाते हैं, और जेडे रोंदे रह जाते ना वो फिर सारी उम्र रोंदे ही ने। जेडे हस के पार कर जाते ने समंदर ओही पार लगते ने। तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है, 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 तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है। के रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि ये सर भी तेरे दर से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि ये सर भी तेरे दर से मिला है। कि तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे मेरा, अरे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। फिर शर्माना क्यों, क्या बात है। ओम साईं राम। हमारे बड़े अनन्य भक्त बाबा के चरणों में पहुंच चुके हैं, जो पहले आए हैं जो देर से आए हैं सबका स्वागत है, और सभी बैठ जाएं जिन पर बाबा की रहमत हुई है। बाबा का नाम लीजिए और बाबा को पुकारिए। आज भूल जाइए कि हमारे घर में कौन है, कैसे है, क्या है। हर इंसान सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है, तो जो आप कर्म करोगे वो आपके साथ जाना है, जो बातें करेंगे वो बातें ही लेकर जाएंगे, और जो बाबा की इबादत करेंगे वो यहाँ से झोलियां भरकर लेकर जाएंगे। तो ये मिलकर मेरे साथ बाबा के चरणों में जुड़े और मिलकर मेरे साथ कहें, तेरी रहमतों का दरिया, चल रहा है।
I'm not afraid to die.
मिटाने में लगे हैं। अनुज लाल जी, कुछ लोग हमें आज मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग हमें आज मिटाने में लगे हैं। मेरे साईं मेरी लाज बचाने में लगे हैं, मेरे साईं मेरी लाज बचाने में लगे हैं, साईं मेरी लाज बचाने में आए हैं। उसे पूछती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, बताता हूं आप सबसे शेयर करता हूं। अजी थोड़ी जी आवाज मेरी बताओ, अपनी जिंदगी का रियल एक्सपीरियंस। आज से 8 साल पहले मैं एक जॉब करा करता था कपड़े की दुकान पर, और मेरा जो भाई था जो उस दुकान का ओनर था वो शिरडी चला गया। प्रदीप जी, वो शिरडी चला गया, वहां से प्रसाद लेकर आया और एक मेरे लिए लॉकेट लेकर आया, ऑरेंज कलर का धागा, अभी मैंने संभाल के रखा हुआ है, और उसमें दोनों तरफ बाबा की फोटो, थोड़ा कटा लो, दोनों तरफ फोटो। तो मुझे दूसरे ही दिन जैसे वो आया शिरडी से, उसने मुझे प्रसाद दिया और लॉकेट दिया, दूसरे ही दिन मुझे साईं मंदिर से फोन आ गया कि नौकरी करोगे। मेरा दिल खुश हो गया कि बाबा के चरणों में जॉब, बाबा के चरणों की नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा। मैं वहां गया, मैंने एक भजन सुनाया, खुराना जी ने मुझे रख लिया। उन्होंने बोला कितने पैसे लोगे, मैंने कहा जी मेरे दो बच्चे हैं, मैं वहां पर 12,000 रुपए लेता हूं। उन्होंने बोला यहां नहीं मिलेंगे, यहां तो 7,000 मिलेंगे। मैंने बिना सोचे समझे हां कर दिया, हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लालच था कि सुबह 10 से 2 मेरे पास माइक रहेगा, शाम को 4 से 6 माइक मेरे पास रहेगा, और मैं बाबा के चरणों में बाबा के भजन गाया करूंगा। 12,000 लेने वाला 7,000 पर आ गया, पर आज बाबा ने मुझे वहां बिठा दिया। बाबा के लिए विश्वास मेरा तब पक्का हो गया कि बाबा मुझे आपने चुना है, मुझे चुना है, मैं खुश नसीब हूं। तो वहां पर नौकरी करने लग गया, बाबा के भजन गाने लग गया। पहला भजन मैंने गाया, सिलेक्ट हुआ, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, खुराना जी ने मुझे रख लिया। 1 महीने बाद जिनके साथ मैं कोर्स पर जाया करता था वो मुझे कहते कि भाई वहां पठानकोट प्रोग्राम है। मैंने कहा मुझे एक बार पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला पूछ लो। जब मैं पूछने गया, खुराना जी ने कहा इनके 2,000 पे बढ़ा दो, आपने बाहर नहीं गाना ऐसे। मैंने उनको मना कर दिया, और आज बाबा ने दुनिया में हमें जो भी मिलता है वो साईं के नाम से मिलता है। ओम साईं राम, जय साईं राम, जहां से गुजर जाए साईं के नाम से पहचान हो गई, और यही पहचान मेरे काम आ गई, और आज मैं आप सबकी हाजिरी बाबा के चरणों में लगवा रहा हूं। एक बार जोरदार ताली हो जाए, ये बाबा के चमत्कार को नमस्कार है कि मरने के बाद ही उनके सिंहासन बने, मरने के बाद ही उनको लाखों रुपए चढ़ते हैं, मरने के बाद ही आज बाबा की दुनिया में पूजा होती है। और बाबा ने स्वयं कहा है कि सबका मालिक एक है, कि इधर मंदिर इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा इधर गिरजा, सुनिएगा, इधर मंदिर इधर मस्जिद इधर गुरुद्वारा इधर गिरजा, तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी चाहे इधर गिर जा चाहे इधर गिर जा। तो जोत एक ही है, वो पर मन का भाव है। उसे पूछती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल,
अनिल इलेक्ट्रिकल एंड स्पेयर पार्ट सेंटर 101 रुपए की अरदास करवा कर जा रहे हैं, और जिस खजाने से ये नोट आया है बाबा, दिन दुगनी रात चौगुनी इन बच्चों को तरक्की बख्शना, हमेशा इनको अपने चरणों से लगाए रखना, और ऐसे ही ओम साईं राम ओम साईं राम ओम साईं राम जपाए रखना। कह दो साईनाथ महाराज की। एक बार दोनों हाथ उठाइए। आपको पता है पहले एंटीने वाले टीवी चलते थे ना, हाथ नीचे करो। आज से 50 साल पहले हम लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे, मगर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे, है साहब? आज से 50 साल पहले हम लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे, मगर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। आज जितने हमारे मार्बल लग गए हैं, उतने ही हमें फ्लैटों में बांट दिया गया है। कि किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया। मैं अब घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। तो ऐसे ही बट गए हैं हम फ्लैटों में। बड़ा कहां रहता है? वो उधर रहता है शिवालिक व्यू में। छोटा कहां रहता है? वो सनी इनक्लेव में रहता है। मां कहां रहती है? मां कहीं और रहती है। पहले एक परिवार, पूरा परिवार एक चूल्हे पर रोटी खाता था। अपने कल्चर के लिए जोरदार ताड़ी होनी चाहिए फिर तो। ये ऋषियों मुनियों की धरती है, यहां पर भगवान को भी आकर परीक्षा देनी ही पड़ती है। सबसे पहले भगवान को कोई नहीं पूछता, जब उसका चमत्कार देखते हैं तभी नमस्कार करते हैं। और अगर कहीं हमारी मन्नत पूरी हो जाए तो हम भगवान को ही लालच देने लग जाते हैं कि अगर तो ये मेरा काम हो गया तो मैं ये खिचड़ी प्रसाद का लंगर लगवाऊंगी, तेरा कीर्तन करवाऊंगी या तेरा जागरण करवाऊंगी। अरे उससे लेकर उसको लालच दे रहा है। बोल साईनाथ महाराज की। एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए कि एंटीना जितना सीधा होता है सिग्नल, उतने ही साफ आते हैं। दोनों हाथ ऊपर, दोनों ऐसे जलेबी की तरह नहीं, बिल्कुल सीधे हाथ, दोनों हाथ ऊपर, और ताली बजाकर मिलकर मेरे साथ। उन्होंने अपने अपने पड़ोसी की कसम लगे जरा हाथ सीधा करके ताड़ी ना मारे। दोनों हाथ ऊपर करके और ताड़ी मार के कहना है कि तेरी रहमतों का दरिया, बंदे का साथ है के बंदा।